हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख पाओगे मेरे पास एक हेलमेट है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कंप्लीट हेलमेट बनाने वाले हैं। इसकी हम जो है मोल्ड डिजाइन करने वाले। तो आप जो वीडियो देखोगे, यहाँ पे छोटी छोटी स्पेस लगा रखा हो, तो यहाँ पे मैं रिवर्स इंडिंग से इसको बना रखा हो। तो इसकी हम कंप्लीट मोल्ड जो ऑलरेडी मैं बना रखा हो, तो इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज बनाने वाले हैं कि मोल्ड कैसे चलेंगे, इजेक्शन कैसे होगा, स्टिपर कैसे चलेंगे। अगर किसी को भी मोल्ड डिजाइन बनाना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मोल्ड में बनाते रहता हूँ। और जो मेरा प्रैक्टिकल मोल्ड है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के मैन्युफैक्चर किया है, इसके साथ मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ये मोल्ड कैसे रानी होंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी आप मोल्ड डिजाइन बनाओगे, इसको कैसे बनाना है आपको मोल्ड डिजाइन को, इसकी जो आप जैसे भी मोल्ड डिजाइन बनाओगे, आपको असेंबली में बनाना होता है। ठीक है, तो जो भी मोल्ड डिजाइन बनाओगे आप असेंबली से बनाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसकी जो है आज कंप्लीट केस करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऊपर से देख पाओगे, यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ से ऊपर से देखोगे यहाँ पे स्प्रिंग चलेगा। इसकी इजेक्शन कैसे होगा, मैं आपको पहले कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट देखते हो, तो मैं यहाँ पे सरफेस जो है इसको मैं गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है, आगे से जो है मेरा स्लाइडर चलने वाला। तो स्प्रिंग से स्लाइडर कैसे चलाते हैं, इंसर्ट स्लाइडर कैसे चलाते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पीछे से देखो, यहाँ पे भी आपको स्लाइडर चलाना है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट होंगे। तो ये जो हेलमेट है, फुल फेस हेलमेट है। ठीक है, तो इसका जो है आज मैं कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जो मेरा हेलमेट है, तो इसको मैं ले आता हूँ कंपोनेंट को। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज जो है बहुत सारा कोलैप्सिबल कोर के कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, टी में कैसे चलता है, जिसको भी इसी तरीके से डिजाइन वगैरह बनाना है, जिसको भी इसी तरीके से मोल्ड बना के मैन्युफैक्चर करना है, मेरा नंबर मेंशन थे, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं डिजाइन वगैरह बनाते रहता हूँ, ऑलरेडी मैंने काम किया है बहुत सारा। तो इसी तरीके से भी हो, कोई भी हेलमेट हो, फुल फेस हो, ओपन हो, फ्लिप अप हो, कोई भी हो, तो मैं आराम से बना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा डिजाइन कैसा है। तो मैं इसकी डिजाइन के एनालाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे ऊपर से दोनों क्या है, फैन टाइप के लिए हमने यहाँ पे डिजाइन दे रखा है। ठीक है, तो आगे से देखेंगे हम, फ्रंट वेंट है जो एयर के लिए होता है बेसिकली। तो साइड से देखेंगे यहाँ पे ग्लास के लिए मेरा जो है लॉक के लिए मैं यहाँ पे वो बना रखा हूँ। ठीक है, यहाँ से हल्का सा हमने कटआउट डिजाइन दे रखा है। पीछे से जो है अलग से देखिए स्पॉइलर टाइप का थोड़ा सा हम एक तरीके से कटआउट लगा रखा है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही अजीत है। तो ठीक है, तो ये क्या है, हमने स्कैनिंग करके बनाया, तो स्कैन करके रिवर्सिंग कराए। रिवर्सिंग वगैरह अगर आपको सीखना है तो आप नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी हम अपने पास डिजाइन आते हैं, तो डिजाइन का हम क्या देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जो भी मेरा डिजाइन है, इसकी हम पहले एनालाइज करते हैं। तो मेरा पहले जो मेरा डिजाइन है, इस डिजाइन का हम एनालाइज करेंगे। डिजाइन में बेसिकली है क्या, तो मैं इसको जैसे एनालाइज करता हूँ, तो ये परफेक्ट है, यहाँ पे कोई अंडरकट्स वगैरह नहीं है। एज इट इज आप जूम करने में आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम दो स्प्लिट में इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब अपने को ये देखना है जो मेरा बाहर का है, तो यहाँ पे दो हम साइड कोर चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो साइड कोर चलाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से एक आपका केबीटी आएंगे, इस तरीके से केबीटी आएंगे, दोनों तरफ से हम अलग अलग तरीके से हाइड्रोलिक सिलेंडर इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम समझ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हम इंटरनल ड्राफ्ट कितना है। इंटरनल ड्राफ्ट बोले तो जैसे यहाँ पे हम सेक्शन काट के अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको इस डायरेक्शन में सेक्शन काट देता हूँ, तो ये अंडरकट कितना है, तो आपका जो ये अंडरकट है, ये अंडरकट कितना है, तो आपको पहले ये पता करना होता है जब आप डिजाइन बनाते हो, इसकी अंडरकट कितना है। अगर मैं इसका अगर अंडरकट देखता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम जो अंडरकट है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेक्शन लेके बनाना पड़ता है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगा रहा हूँ अराउंड 17 mm का अंडरकट है। ठीक है, तो 70 mm से अराउंड 70 mm का है। तो इसको अगर आपको देखना है इंटरसेक्शन कार्ड लगा के आप मार सकते हो, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिप सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अराउंड 17 mm का मेरा अंडरकट है, तो 70 mm अंडरकट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें लिए मुझे क्या चलाना पड़ेगा, कोलैप्सिबल कोर चलाना पड़ेगा। अब कोलैप्सिबल कोर की कॉन्सेप्ट आगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारा डिजाइन को मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जो नेविगेटर है उसमें जाता हूँ। तो मेरा ये सबसे पहले पार्ट है, मैं मेक करंट बॉडी में ले आता हूँ। अब जितना भी मेरा पार्ट है, ठीक है, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को पहले पता करना है कि मेरा इंटरनल अंडरकट क्या है। इंटरनल अंडरकट से भी नहीं होता, आपको ये भी अंडरकट पता होना चाहिए, ये भी अंडरकट पता होना चाहिए। इस मैक्सिमम पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना है, आपको दो अंडरकट पता होना चाहिए। एक तो ये वाला आपका अंडरकट कितना होना चाहिए, दूसरा आपको कितना पता होना चाहिए, बैक अंडरकट कितना होना चाहिए। फ्रंट अंडरकट में कुछ ज़्यादा इतना नहीं होता है, क्योंकि ये एरिया कम होता है, तो यहाँ से आप आराम से निकल सकते हो। क्योंकि जो हाइड्रोलिक चलेंगे, जब आप कोलैप्सिबल कोर चलाओगे, तो ये वाला पोर्शन आराम से निकल जाती है। दिक्कत आती है ये बैक वाला पोर्शन,
और आपका ये साइड वाला पर्सन का आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हेलमेट जो है किस तरीके से है, कौन सी कंपोनेंट है, तो आपको पहले इसकी फुल एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एनालाइज कर रखा है, तो यहाँ पे इसके बाद मैंने इसको ऑफसेट सर्फेस करा, लास्ट तक देखना रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो सारा ऑफसेट सर्फेस करा, उसके बाद मैंने इसको अनसीव करके यहाँ पे मैं सीव कर रखा हूँ, मतलब इसका मैं एक बॉडी बना रहा हूँ, बेसिकली इसकी मैं एक बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोई पैच ओपनिंग करा है, एनसाइडेड सर्फेस लगा है, इस तरीके से करके मैं यहाँ पे इसको जो है एक सर्फेस लेके आया, मतलब बेसिकली इसका मैं एक सर्फेस ले गया, ठीक है। इसके बाद ये तो आपको पता है ऑफसेट सर्फेस वगैरह करके आपको क्या करना है, या नहीं है उस पर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं मूव सर्फेस करके देखो, अब ये देखो मेरा जो बॉडी है, बेसिकली मेरा जो बॉडी है, इस बॉडी को मुझे यहाँ पे मूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट जो लिया हूँ मैं, ये पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट, देखो दोनों पॉइंट के बीच में अंदर कट कितना है। अगर मेरा यहाँ पे अंदर कट इतना ज्यादा है, यहाँ पे देखो ना, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ, मेरा इस बॉडी के साथ देखो, इस बॉडी के साथ मेरा अंदर कट कितना है, बहुत ज्यादा है, ये वाला अंदर कट बहुत ज्यादा है ना, लेकिन इस बॉडी के साथ देखोगे ना आपका अंदर कट कम है, इस बॉडी के साथ मेरा ये वाला अंदर कट कम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हल्का सा जो है इस अबाउट को टिल करूंगा, ठीक है। आप देखोगे ना मैं कितना डिग्री टिल कराऊ, देखो यहाँ पे मैं 12 डिग्री जो है टिल कराऊ। क्यों टिल कराऊ, क्योंकि अगर मेरा मोल घूमेगा ना थोड़ा सा एंगल पे रहेगा, तो ये जो अंडरकट होगा ना वो कम हो जाएगा, ये वाला उतना ही रहेगा, ये वाला उतना ही रहेगा। तो इसी हिसाब से मैंने इसको सेट कर रखा है। पूरा कॉम्प्लीट कंसेप्ट बताऊंगा, एक भी चीजें मिस मत करना, ऐसा चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल है, बहुत हेलमेट बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस अंडरकट को हमने कम कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे एन साइडेड सर्फेस लगा के इसको मैं एक सॉलिड बॉडी बनाऊंगा। लाइक देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने, अब इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको जो भूल जाओ आप। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे एन साइडेड सर्फेस वगैरह लगा के इसको क्या करूंगा मैं, एक जो है देखो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड बना लिया। अब उसके बाद जो ये मैंने स्प्लिट फेस लिया, ये मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब देखो जब भी हम स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या बनने वाला है, कोलैप्सिबल बॉडी बनने वाला है, 30 स्लाइडर चलने वाला है। अब 30 स्लाइडर बहुत लोगों को नहीं पता, आजकल बहुत यूट्यूबर है भाई, फाइल डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करने के बाद सिखाने लग जाता है और अपने आप को यूट्यूबर बोल देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ें हम बनाएंगे, जो चीज़ें सिखाऊंगा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, कहीं की किसी के फाइल थोड़ी वाला काम मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें कराऊंगा प्रैक्टिकली कराऊंगा, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है या जो हम मैन्युफैक्चर कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्लासेस सीखना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या किसी के फाइल डाउनलोड करने का, किसी का फाइल चोरी करने का, ठीक है, कहीं से फाइल फ्री मिल जाते हैं आजकल, वो सिखा के अगर सीखना है ना वो आप जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे एक्सट्रूड है, यहाँ पे मैंने लाइन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन करा है, ये मैंने लाइन लिया है बेसिकली, देखो यहाँ ऊपर से मैंने एक लाइन करा, इस लाइन कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो यस, कुछ सर्टेन अमाउंट डिस्टेंस है, वो मैं डिस्टेंस में कम ज्यादा बाद में ऑफसेट करके कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो है इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड कितना होना चाहिए भाई, 8 से 9 डिग्री का होना चाहिए, कभी 8 कभी 9, मैक्सिमम 9, उससे ऊपर 9 10 से ऊपर नहीं जाना है, जाओगे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। क्योंकि जो टी चलता है वो टी बहुत हल्का होता है, तो यहाँ पे 8-9 डिग्री का आपको एंगल रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल रख लिया, फिर इसको जो है हम ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे मुझे लेंस चाहिए, ये जो एरिया है ना मेटल, यहाँ पे स्टैंड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टी लगने वाला है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ऑफसेट करना एक सर्टेन अमाउंट, जहाँ टी लगने के बाद ये डैमेज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मिरर कर दिया, फिर स्प्लिट कर दिया, देखो मिरर कर दिया, फिर इसके अबाउट इसको मैं स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे मैं अगर सॉलिड बॉडी लेता हूँ ना तो आपको समझ में आ, देखो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब जो ये बॉडी है आपका, जो ये बॉडी है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे देखोगे ना, इसको मैं स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। क्यों कर दिया मैंने स्प्लिट, मैंने जो स्प्लिट करा क्यों कर दिया, कुछ तो रीजन होंगे ना स्प्लिट करने का, 100 लेयर को हाफ कर दूंगा, कुछ तो रीजन होंगे स्प्लिट करने का। स्प्लिट इसलिए किया, इसको जो है कोलैप्सिबल कोड चलाऊंगा, 20 में 30 चलाऊंगा, तो इसी वजह से इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। अब कैसे चलने वाला है वीडियो को, अगर यहाँ पे यहाँ तक अगर आ गया हो ना तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा, लास्ट तक देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बाद में आप जो है मत बोलना कि मेरे को समझ में नहीं आए, लास्ट तक देखना वीडियो, ठीक है। देखो मैं जो आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें टेक्निक, ये जो आपकी टेक्निक्स होता है बनाने का, ये जो प्रैक्टिकल चीज होता है, उस चीज का पैसा लेता हो। अगर आप बोलते हो कि सर यहाँ पे तो मुझे 8,000 में मिल रहा है, यहाँ पे 10,000 मिल रहा है, आपके तो फीस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादा सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना,
अगर भाई बात करो कि इस मार्केट में कुछ चीजें का, तो मार्केट में अगर आईफोन खरीदने जाते हो तो आपको 7-7 हज़ार का भी मिलेंगे, 1 लाख का भी मिलेगा। अगर वो चीजें चाइनीज फोन अगर खरीदने में जाते हो तो आपको 20 हज़ार में मिल जाएंगे, 15 हज़ार में मिल जाएंगे, दोनों में तो फर्क है। आज मैं अपना आईफोन यूज कर रहा हूँ, 2019 से मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तक यूज कर रहा हूँ, कोई किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई? ब्रांड वैल्यू है। जो चीजें आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल मिलेंगे, वो ऐसे नहीं कहीं से किसी डाटा स्टोरी करा कहीं से कुछ चीजें, जो चीजें मिलेंगे प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो, हमने स्प्लिट कर रखा है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन लिया। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, अब इसको भी काटना है, यह स्लाइडर भी तो होगा, यहाँ से भी हम काटना पड़ेगा ना, तो फिर इसको भी मैं एक एंगल पे काट दिया। अब कितना एंगल पे काटा है, ऐसे जो चीजें दिखा रहा हूँ ना 12 डिग्री, क्योंकि इसका इसका जो फेस है ना वो ज्यादा हाइट है, तो इसको हम 12 डिग्री करके इसको हम ऑफसेट कर देंगे। इसको भी हमने ऑफसेट कर रखा है, तो ऑफसेट कितना करना है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो मेरा हेड होगा, जो मेरा इंसर्ट होगा बीच का, उसके हिसाब से मैं इसको ऑफसेट करूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं जाके ऑफसेट कर देता हूँ इसको भी रीजन को, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफसेट कर दिया इसको, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे भी ऑफसेट कर दिया, तो इसको मैं अलग अलग करके यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब हम मेन कॉन्सेप्ट में आता है भाई। यहाँ तक तो ठीक है, स्प्लिट कर दिया आपने, बना दिया, लेकिन मूल चलेगा कैसा, मूल चलेंगे कैसे, कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीट मोल में आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो नीचे का इंसर्ट है, जैसे ये इंसर्ट है सबसे पहला इंसर्ट, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है, सबसे पहले आपका स्टिपर चलेगा, ये वाला इंसर्ट चलेगा। ये वाला इंसर्ट चलेगा कैसे भाई, बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो का जो है ना, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेंगे तो कम्प्लीट मोल बना के दूंगा मैं, अगर रेस्पॉन्स सही मिलेंगे, क्योंकि मैं ये सारा चीज़ें आपको बना बना के इतना मेहनत करके ना आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि सर ने तो 15-20 मिनट का वीडियो डाला है, लेकिन उसको बनाने में जो लगता है ना 2-3 दिन का मेहनत लगता है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, वर्किंग टाइम रहता है, उसके बाद आके मैं आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग फोन करते हैं सर डेमो दे दो, देखो मैं डेमो इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, दिन में अगर मेरे पास 30-35 फोन आते हैं तो अगर मैं हर 30-35 लोग को डेमो दूँ तो मैं अपना काम कब करूँगा। आप लोग का भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट्स रहता है, उसको भी मुझे करना होता है, उसको निपटाना होता है, स्टूडेंट्स रहते हैं, उसकी क्वारीज रहते हैं, उसकी डाउट रहते हैं, उन लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता तो लाइव लेना पड़ता है, तो बहुत कुछ चीज़ें होती है जिसको मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप समझो, अगर मैं यूट्यूब में 200, 250, 300, 450 वीडियो डाल रखा हूँ, उसके बाद भी मैं डेमो दे रहा हूँ, दैट्स मीन क्या है, मेरा कुछ क्वालिटी नहीं है कॉन्टेंट में, मेरा कॉन्टेंट में कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद भी मैं डेमो दे रहा हूँ, मेरे बात समझ रहे हो ना। डेमो कौन देता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फ्री चीजें देता है कौन? देखो मैं जो करा रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली करा रहा हूँ, मैं चीजें आपको दिखा सकता हूँ, क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा, सारा चीजें आपको जो है प्रैक्टिकली कराऊंगा, ऐसे इधर उधर वाले चीजें नहीं मिलेंगे। मेरा जो आपको 3 साल क्लास से आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, 3 साल क्लास की बात ही आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला क्या होगा, स्टिपर होगा, स्टिपर है। उसके बाद जो है क्या होगा, अगर स्टिपर चलेगा तो टी है इसके साथ, तो टी होगा तो कौन पीछे जाएगा भाई। अब देखो ये वाला कौन सा है, देखो ये वाला पीछे चला गया आपका, स्टिपर के साथ टी पीछे चले जाएगा, उसके बाद कौन सा पीछे चले जाएगा, ये वाला पीछे चले जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद आपकी कंपोनेंट इजेक्ट हो जाएगा आपका। देखो अभी कंपोनेंट है, उसके बाद आपको कंपोनेंट इजेक्ट हो जाएगा। कंपोनेंट इजेक्ट करने के लिए जो ऑपरेटर रहेगा यहाँ पे हाथ से थोड़ा हल्का सा धक्का देगा, तो ये जो होगा, क्योंकि ये देखो ये टी चलेगा ना, तो ये देखो ये गैप बन जाएगा ना, ये भी दोनों पीछे आ जाएगा, मतलब बेसिकली पार्ट इजेक्ट होने से पहले ये भी आपका पीछे आ जाएगा, मतलब ये भी आपका पीछे चले जाएगा, क्योंकि यहाँ की टी है, स्टिपर चलेगा तो ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा। पीछे जाने के बाद क्या होगा, आपका पार्ट जो है आराम से इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब मैं उसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको। भाई साहब जब भी डिजाइन बनाते हो असेंबली में बनाओ, कोई फकाई काम नहीं है, फालतू में आप पैसा बर्बाद करवा रहे हो, कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जो है टोटम को हाइड कर देता हूँ, कार्ड को हाइड कर देता हूँ, तो सबसे पहले असेंबली में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एनिमेशन वगैरह करके दिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, तो फिक्स आप है, फिक्स आप में मेरा कुछ काम है नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मोल ओपनिंग को होगा, फिक्स अप होगा, उसके बाद मेरा कौन खोलेगा, ये खोलेगा, ये नहीं खोलेगा, उसके बाद मेरा स्टिपर मारेगा सीधा। तो स्टिपर मारेगा कौन, मेरा स्टिपर है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा इंसर्ट है, उसके बाद मेरा बैक प्लेट है, ये इधर रहेगा, ये प्लेट खुलेगा, ठीक है। तो ये मेरा कोर हाउसिंग है, ये प्लेट जो है खुलेगा। अब कितना mm इजेक्शन है, तो कंपोनेंट में आपके कंपोनेंट के हिसाब से इजेक्शन देना पड़ता है आपको, है ना। तो मैं कंपोनेंट के हिसाब से लेट से मैं जो है 50 mm का इजेक्शन दे रहा हूँ,
50 mm इंजेक्शन कौन देगा यहाँ पे, ये मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, यहाँ मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे इजेक्शन कैसा है, यहाँ जो इजेक्शन होना है ये रॉड इजेक्शन करता है, ये जो आप रॉड देखते हो ना ये इजेक्शन करता है। तो सबसे पहले ये जो सिलेंडर है इसको आपको स्टिपर को ऊपर उठा देंगे, तो यहाँ पे ये जो स्टिपर है इसको ऊपर उठा देंगे, उसके बाद में आपको ये लेफ्ट हाइड्रोलिक सॉरी इसको रहने देते, इसको मैं हाइट कर देता हूँ, और मेरा जो है लेफ्ट कैविटी नहीं मेरा राइट कैविटी, इन दोनों को मैं हाइट कर देता हूँ, कैविटी इंसर्ट जस्ट ए सेकंड, हाँ मैं इसको हाइट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ, ठीक है ये हाइट हो गया। ऊपर का देख रहे हो ना ये मेरा इंसर्ट है, तो इंसर्ट भी हाइट हो जाएगा। ये मेरा क्या होता है बेसिकली दोनों को आपस में होल्ड करने के लिए हम डालते हैं, और यह मेरा स्प्रिंग है, ठीक है स्प्रिंग के साथ लिमिट बन रखा है, जैसे मेरा कोर कैविटी इन आउट होगा ये मेरा भी आराम से जो स्लाइडर है वो निकल जाएगा, ठीक है इस तरह से स्लाइडर मेरा निकल जाएगा। अब हम आते हैं, मैं जो कोर है कोर बैक प्लेट है इसको मैं रहने देते हैं, इसको हटा देता हूँ स्ट्रेसर को। तो जैसे मेरा इजेक्शन होगा, इजेक्शन हाइड्रोलिक का किसके साथ लगा हुआ है देखो ना आप, हाइड्रोलिक किसके साथ लगा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट आई, आप देखो किसके साथ लगा हुआ है, इस वाली प्लेट के साथ ना, इस वाली प्लेट के साथ देखो ना यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मेरा पहले पहले जो है स्टिपर चलेगा तो ये मेरा इंसर बाहर निकल आ जाएंगे, ये जो पूरा प्लेट है ना ये बाहर निकल आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होंगे आपके, जैसे ये बाहर आ जाएंगे तो इंसर्ट कहाँ पे बोल्टिंग हो रखा है, यहाँ पे देखो ये आपका जो मेन इंसर्ट है मतलब मेरा जो ये है ये बोल्टिंग हो रखा है, तो ये तो उधर ही रह जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा बाहर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन कैसे बाहर आएगा, अब ये वाला पोर्शन बाहर आएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे हाइड्रोलिक है भाई, ठीक है ये हाइड्रोलिक के साथ ये बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा कौन सा हो जाएगा, ये जो मेरा इंसर्ट है यहाँ पे लॉक हो रखा है, दिखाता हूँ मैं, देखो ये किसका साथ लॉक हो रखा है, ये लॉक हो रखा है, जैसे बोल्टिंग हो रखा है, ठीक है ये बोल्टिंग हो रखा है ये गाइड करने के लिए, ये क्या है ये मेरा पिलर है ये गाइड करने के लिए डालते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे लॉक हो रखा है ऊपर जाएगा तो ये तो रुक जाएगा उधर ही, मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ, सीखना है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट तो आप सीख सकते हो, आप इजीली सीख सकते हो, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं शीट बॉडी नहीं, मैं आपको सॉलिड बॉडी करके दिखा देता हूँ, अगर वीडियो के रेस्पॉन्स सही आएंगे तो मैं इसको करके दिखा दूंगा आपको कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ठीक है मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड, ठीक है यहाँ पे एट्रीब्यूट, कैंसिल कर देता हूँ मैं, बेसिकली मैं आपको जो है इसको मैं दिखा, इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टी लगा रखा हूँ, देख रहे हो ये टी है, ये टी है, यहाँ पे मैं टी लगा रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहाँ पे ग्रुप क्यों काट रखा हो, अब देखो जैसे ये नीचे आ जाएगा, ये कितना mm आएगा, कितना mm स्टिपर चलेगा, कितना mm इजेक्शन होगा, ये इतना mm होगा जितना mm यहाँ पे मैं ग्रुप कर रखा हूँ। जैसे मेरा ये इजेक्ट करेगा ना, इतने में कितना mm इजेक्ट करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉम्प्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पे एज, इस एज से आपका इस एज तक कितना है 82, तो मेरा जो है 82 mm इजेक्शन होगा, 82 mm इजेक्शन में मेरा कंपोनेंट जो है ये नीचे आ जाएगा 82 mm, तो इसकी ये जो फेस है, ये जो फेस है ये फेस इसके बराबर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रखा हो, जैसे हाइड्रोलिक क्या करेगा, प्रेस करेगा, ये जो प्लेट है ये आ जाए, ये वाला फेस इस फेस में आके टच हो जाएगा, तो ये अंदर घुस जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो ये वाला अंदर कट है ये रिलीज हो जाएगा। इसको कितना, जितना अंदर कट है ना उससे हम एक्स्ट्रा लेंगे 8-10 mm लेके इसको इधर घुसा देंगे, तो कंपोनेंट में जो है देखो कंपोनेंट ले आऊंगा ना तो ये वाला अंदर कट आपका रिलीज हो जाएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्त, ऐसे नहीं समझ पाओगे, बहुत समझना पड़ता है। देखो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर चला जाएगा ना, तो ये यहाँ से हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, ठीक है। प्रेस करने से क्या हो जाएगा, देखो ये चीजें जो है ये प्रेस करेगा ना तो इसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये बोल भाई इसके अंदर आ जाएगा, ये बोल जो इसके अंदर आ जाएगा ना, देखो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी निफ्री हो जाएंगे, ये तो बोल इससे इसकी तरफ से हो रखा है ना, तो इसको प्रेस करूंगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो देखो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वाला इंसर्ट आपका, जैसे ये मेन इंसर्ट है, ये इंसर्ट नीचे आ जाएगा तो ये इधर घुस जाएगा, ये इधर घुस जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये फ्री हो गया। अब देखो ये आपका जो कॉम्पोनेंट है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, तो इसके बाद आपको समझ गया ये जो टी है, अब टी क्या करेगा,
देखो टी क्या करेगा, बेसिकली टी क्या करता है, तो टी क्या करेगा, इसको जो है फ्री कर देगा यहाँ से, इसको जो आपको जो है ना ये फ्री कर देगा। अब ये जो कंपोनेंट है ये दिख नहीं रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। इसको हम ले जाते हैं ओपन विंडो में, एक अलग सा विंडो में ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो देखोगे आप, इसको मैं ओवरऑल ओ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, टी चल रहा है। जैसे ये रह जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक इसको इजेक्ट कर देगा। ये टी चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। मतलब अगर ये नीचे चले जाएगा ना, ये इतना रह जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा, बेसिकली ये अंदर चला जाएगा। ये वाला जो आपके इंसर्ट है, ये वाला जो आपके केबीटी इंसर्ट है, ये क्या चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ये भी इधर चले जाएगा। अब रही बात इसकी, ठीक है, रही बात आपका इसका इसका, यहाँ पे देखो हर एक जगह में टी चल रहा है, तो ये भी तो अंदर चले जाएगा। यहाँ पे भी टी है ना, यहाँ पे भी टी है, तो ये भी तो अंदर चले जाएगा, ये भी तो टी है। देखो यहाँ पे भी टी है, तो ये टी चले जाएगा। यहाँ पे भी देखो एंगल है, स्लोप है, ये नीचे चले जाएगा, ये भी तो इसमें बोल्टिंग हो रखा है, ये टी में चलेगा, ये भी टी चल रहा है, तो ये भी अंदर चले जाएगा। तो इसी तरीके से जो पूरा कंपोनेंट है ना, पूरा कंपोनेंट फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इजेक्शन, यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा, यहाँ से हल्का सा पुश करेगा पार्ट को, यहाँ से जो चिपक रहेगा वो फ्री होके हाथ से इसको निकल के लाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको बनाना इतना ईजी नहीं है, जो आप यहाँ पे वीडियो में देख के आपको पता लग गया इतना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है। पूरा कोलेप्सिबल कोर है। अगर आप हेलमेट बना लेते हो, कोलेप्सिबल कोर आपके लिए बाय हार्ट का काम है, बाई हार्ट का काम है, ठीक है। तो सारा चीज़ें जिसको भी ये तरीके से मोल बनाना है, हेलमेट बनाना है, आपकी वाइजर बनाना है, कोई भी ऑटो हेलमेट इंडस्ट्री में बनाना है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजाइन वगैरह मैं बनाते रहता हूँ, ठीक है। और अपना डाटा चाहिए आपको, जो भी डाटा है आपको डाटा लेना है, मैं बना के दे दूँगा आपको। और इसी तरीके से आपको क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप नंबर मेंशन दें, जो भी चीज़ें कराऊँगा प्रैक्टिकली कराऊँगा, ऐसे चीज़ें नहीं कराता हूँ। और जिसको भी एडवांस लेवल में सीखना है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें है थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ें आपने पास ही रखना है ना। जिसको नॉलेज के लिए सीखना है, जिसको अपना इंप्रूवमेंट के लिए सीखना है, वो सीख सकते हैं। और जिस देखो मेरा जितने भी स्टूडेंट होता है ना, मैं फ्रेशर्स को कम ही लेता हूँ। जितना भी मेरा स्टूडेंट है, वो एक्सपीरियंस रहते, जॉब वाले होते हैं, जो उसकी इंडस्ट्री होते हैं, उनको लोगों में ज़्यादातर ट्रेनिंग करवाता हूँ। और मैं तीन ही बैच करवाता हूँ, एक महीने में तीन बैच ही कराता हूँ। तो कहीं मोल्ड डिजाइन का होगा, कभी डाई डिजाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग भी होता है, प्रोग्रामिंग का होता है, बहुत सारा चीज़ें मैं काम करता रहता हूँ, तो उसी हिसाब से सिखाता रहता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ चीज़ें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी नंबर मेंशन है। अगर किसी को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मोल वगैरह मैं कराता रहता हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेंगे, क्योंकि नया नया चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे, नया नया लोग मिलेंगे, नया नया लोग होता है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब एक साथ ही जब एक ग्रुप में रहोगे, एक ही प्लेटफॉर्म में रहोगे, आपको भी सीखने को बहुत सारा चीज़ें मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारा चीज़ें होती है, कैसे कैसे आपको सीखना है, बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे करना है, पूरा सरफेस वगैरह लेके काम करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें है, ठीक है। कंप्लीट डिजाइन मिल जाएगा, अगर किसी को भी अगर कोटेशन चाहिए, अपना फाइल जो है शेयर कर सकते हैं, कंप्लीट जो है आपको कोटेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, बहुत लोग ऑलरेडी कर रखा है, उसको पता ही है। सिलेबस वगैरह देऊंगा, जो जो चीज़ें आपको कराऊंगा उसमें डिटेल रहेगा, आपको कैसे कराऊंगा, क्या कराऊंगा, आप नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह, वीडियो वगैरह चाहिए तो आपको जो है मेंबरशिप भी ले सकते हो, मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप में जो वीडियो है आपको वही मिल पाएंगे। और मेंबरशिप लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सा मेंबरशिप में कौन सा फाइल है, ठीक है। कोई आप अगर PDF ले रहे हो तो आपको उसमें PDF ही मिलेंगे, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो उसमें रेगुलर क्लासेस ही मिलेंगे आपको, कोई वीकेंड क्लास ले रहे हो तो आपको वीकेंड क्लासेस मिलेंगे। तो आपको उसको थोड़ा सा देख लेना, जो चीज़ें करा रहे हो आपको कैसे करा रहे हो क्या है। और यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको कैलकुलेशन होता है, ऐसे बनाने से नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं टी चला रहा हूँ उसके बीच में भी बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, तो ऐसे करने से नहीं होता है। जो मेरा क्लासेस है उसमें मैं टी स्लाइडर कैसे चलता है, सारे तरीके से स्लाइडर सिखाता हूँ। ऐसे मैं सिलेबस में स्लाइडर लिपकर नहीं लिखता हूँ, जो चीज़ें कराऊंगा सारे तरीके से कराऊंगा। एक स्लाइडर में आपका काम खत्म नहीं होगा, लिप्तर कराता हूँ तो दो तीन लिप्तर कराता हूँ, एक एक लिप्तर करा के मैं सिलेबस खत्म नहीं करता। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको इनिशियली पता लग जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें जो होते हैं मैं यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं, और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। अभी मेरा कुछ घर का काम चल रहा है तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ना। आज का वीडियो में इतना रखता है, आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ चीज़ें पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नंबर वगैरह मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।